हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मोदी जी पहुंच गए हैं फ्रांस। वाकई में एज अ चीफ गेस्ट पहुंचे हैं। कैसा वेलकम हुआ है देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ज्यादा मजा आने लगा क्योंकि फ्रांस में चीफ गेस्ट का कैसे वेलकम होता है आज हम देखने लगे हैं। फर्स्ट टाइम और वो इंडिया का वेलकम, वो भी मोदी जी का। पहुंचे सुबह निकले, पहुंच गए भाई मोदी जी का। फिर जहाज बहुत फास्ट है तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मिल रही है कि ये एक अतुल जी आपको हम रोकना चाहेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हम फ्रांस के पेरिस से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जहाज कितना बड़ा है यार जब पहुंचे हैं वही मैंने भी देखा भाई। दोनों ने सेम बात किया फ्रांस में अपने इनकी दो दिन की रेड कार्पेट। ओ रेड कार्पेट, आगे वो कोई खड़ी है प्रधानमंत्री का स्वागत। अच्छा वो हाँ वो वीडियो बना रहे हैं। लोग इस वक्त पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे तस्वीरें। हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मौजूद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर वो गाड़ियां सामने जैमर वाली सारे रैली। प्रधानमंत्री की अब इस यात्रा की शुरुआत होगी और आगे के कार्यक्रमों का थोड़ा सा ब्यौरा दीजिए। वो अभी यहाँ से स्टार्ट होगा भाई, असल काम तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम सब कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी सुधाकर से बात करने की, लेकिन निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना। जी सुधाकर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आ रहे हैं, आपको मिल रहा है? जी जी मीडिया वाले आपको मिल रहा है? जी हम सुन पा रहे हैं। सुधाकर अपनी बात पूरी रखें। प्रधानमंत्री का अभी अभी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए, इस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण। देखिए आर्यन, बेहद ही ऐतिहासिक दौरा, और आपने तस्वीरों में देखा फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने उनको रिसीव किया। प्रधानमंत्री तो आप समझ सकते हैं इनके कद कितने बड़े होते हैं यार इन सैनिकों के, है ना? है ना, और सारे लोग हैं लेकिन सैनिकों के कद कितने बड़े हैं। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और भी देखो लोग हैं लेकिन हाँ ये तस्वीरें सुधाकर मैं आपको रोकना चाहूंगा। हम वहाँ के एम्बियंस अपने दर्शकों को सुनाना चाह रहे हैं, ये सुनिए। इंडियन एंथम यार सच में तस्वीर इस वक्त पेरिस से आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न पहुंची हैं। रेड कार्पेट प्रधानमंत्री। अच्छा फ्रांस की पीएम पहुंची हैं, यही कह रहा था तो मैं, पीएम पहुंची हैं। अंतरराष्ट्रीय गान मैं नहीं जानता, उधर पीएम प्रेसिडेंट ज्यादा फेमस है ना भाई। अच्छा उनकी पीएम पहुंची है लेने, एक तरीके से शुरुआत हुई है। गार्ड ऑफ ऑनर भी असीम प्रधानमंत्री को दिया गया, ये साफ तौर से दिखाता है प्रधानमंत्री के प्रति, भारत के प्रति उनकी प्रधानमंत्री गई है। बिल्कुल पीएम मान को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि फ्रांस की प्रधानमंत्री खुद अगवानी के लिए आई हैं। मैंने अभी और किए, प्रधानमंत्री खुद आई हैं मोदी की अगवानी की, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये समझ सकते हैं किस तरह से, चूंकि विशिष्ट अतिथि भी हैं, कल बैस्टल डे परेड होना है और उस परेड के
विशिष्ट अतिथि के तौर पर फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया है, इसलिए भी ये बहुत ही खास मेहमान नवाजी, ये खास अगवानी की जा रही है फ्रांस की तरफ से, जहाँ की खुद वहाँ की प्रधानमंत्री बहुत कमाल वेलकम किया है यार, उनकी पीएम खुद आई है, वो प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करते हुए वो शुरू पे मैं समझा कौन खड़ा है, ये पीएम उनकी खड़ी है, भारत के धुन, ये देखो फ्रांस के राष्ट्रीय धुन, और इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं भारत और फ्रांस के बीच गहरे होते संबंधों को जब वहाँ की पीएम खुद अगवानी के लिए पहुंची। बिल्कुल, और निश्चित तौर से भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण और सम्मान का एक पल, क्योंकि रेड कारपेट बिछाया है फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और भारत को एक तरीके से जो सम्मान दिया अपने राष्ट्रीय दिवस बहुत बड़ा सम्मान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर, चीफ गेस्ट इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे हुए हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, खुद फ्रांस की प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे एलिजाबेथ बोन, और ये अपने आप में दर्शाता है, और तमाम अन्य लोग भी राष्ट्रीय सुरक्षा तस्वीरों में दिखाई पड़े, अजीत डोवाल साहब, इसके अलावा विदेश सचिव और तमाम जयशंकर साहब भी होंगे, जो की भारतीय एक तरीके से शिष्ट मंडल का हिस्सा भी है जो प्रधानमंत्री के साथ में इस वक्त मौजूद है, तो वहीं फ्रांस के ओर से तमाम अन्य आला अधिकारियों, तमाम अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त परिचय प्राप्त करते हुए, जानकारी हासिल करते हुए, और अब यहां से प्रधानमंत्री के आज के इस आधिकारिक दौरे की शुरुआत होने जा रही। संभवतः सुधाकर दास हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए, अगर सुधाकर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आगे के कार्यक्रम के लिहाज से जानकारी हम हमारे इसी के साथ हुई आर्बिटो खत्म। मैं कहता हूँ सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए फ्रांस ने, फ्रांस एक वीटो पावर देश है, वो ज्यादा से ज्यादा किसी को भेजता है अपना विदेश मंत्री, ज्यादा से ज्यादा वो विदेश मंत्री भेजता है, या ज्यादा से ज्यादा कोई मिनिस्टर, कोई मेयर, ये लोग भेज देता है रिसीव करने, मतलब ऐसे जाते हैं, तो मतलब मोदी जी अपनी कैबिनेट को, मतलब मोदी जी एज अ पीएम जा रहे हैं तो पीएम खुद उनको रिसीव करने आए हैं, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर मिला, रेड कार्पेट है भाई, इस तरह का वेलकम मुझे शुरुआत इस तरह की है, आगे क्या लेवल होने वाला है ये भी देख लो, चीफ गेस्ट देखो, पूरी दुनिया में कितने देश है मोदी जी को स्पेशल बुलाया गया, और भाई मोदी जी पे फिर से एक बार दुनिया की नजरें होंगी, आज पूरे मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया मोदी जी के ऊपर है, आज वही देख रहा होगा सब, आज पूरी दुनिया का मीडिया की नजर होगी भारत के ऊपर, कि भारत का क्या कदम है, फ्रांस का क्या कदम है, कौन कौन सी डीलें अब होंगी, क्या मजे का यार, राफेल की डील भी, गार्ड ऑफ ऑनर कितने कमाल का दिया, और कितने वो ऊंचे ऊंचे सोल्जर थे यार, देखा जाए तो बहुत उनका काद, हालांकि एक जनरल कोई खड़े हुए थे मोदी जी के साथ, उनका भी इतना काद नहीं था, वो सारे बहुत ऊंचे ऊंचे खड़े हुए थे, और जहाज कितना मस्त है यार मोदी जी का, कितना बड़ा, मतलब मोदी जी जब जहाज पर आ रहे थे कितने, मतलब छोटे से लग रहे थे, इतना बड़ा जहाज, अभी जब मोदी जी होटल पहुंचेंगे ना, तो उधर तो इंडियन कम्युनिटी आई हुई होगी यार, मजा आने वाला है यार, क्या क्या होता है यार, अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो यार पर